तो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है संस्कार शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो किसी सीरीज के ऊपर होने वाले नहीं है मेरे। अरे यार एक मिनट रुको यार, ये हाँ हाँ कर रहे हैं, पहले मैं आपसे बात कर लूँ। रुको F5 आए, हाँ अरे हाँ रुको, ये हाँ करेंगे, मेरे को बोलने नहीं देंगे, इंट्रो नहीं करने देंगे, थोड़ा दूर चला जाता हूँ। हाँ यहाँ पे थोड़ी शांति है। हाँ तो आज की इस वीडियो में मैं अपना सर्वर पे खेलने वाला हूँ। तो सर्वर में मेनली हम करने वाले अपनी जो टीम्स हैं उसका, जो अपोनेंट की टीम है उसमें करने वाले उनका एक बेस, बहुत ही अच्छा बेस डिस्ट्रॉय। तो हमें किसी वेल विशर ने, मतलब किसी ने भी, मेरे को नहीं पता, उसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो आप, उसने मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उसने कहा है चेक इट आउट। तो चलो चेक करते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये हमें पहले से कोऑर्डिनेट्स देता आ रहा है बंदा, और ये इनकी ही टीम का कोई बिट्रेयर है, और ये बंदा हमको हर बार कोऑर्डिनेट्स देता है और हर बार इसके कोऑर्डिनेट्स इनके बेस के निकलते हैं। तो ऑलरेडी इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वहां जाने, अब हम वहां दूसरे के बेस में जा रहे हैं और इस समय सर्वर में बंदे भी नहीं है ऑनलाइन, सिर्फ मैं ही ऑनलाइन हूँ। तो ये सबसे बढ़िया मौका है, अगर वो उनका बेस निकला या कुछ भी ऐसा निकला, या वो जितने उसने कोऑर्डिनेट्स दिए या वो ट्रैप भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर लेता हूँ। प्लस अपना सारा आर्मर वगैरह की हेल्थ बहुत कम है, लेकिन ये चल जाएगा क्योंकि अभी कोई फाइट वाइट तो होगी नहीं। तो यहाँ पे अपनी टीम की, ओ भाई साहब मेरी टीम वाले मेहनत तो बहुत करते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे मैं बहुत सारी TNT ले जाता हूँ, क्या पता वहाँ पे बेस हो और उनका वो तोड़ना पड़े। और यहाँ पे एंड क्रिस्टल भी ले लिया मैंने। अब लोग बात पूछेंगे कि एंड क्रिस्टल किसने मिले, तो ये एंड क्रिस्टल हमारे पांडा रजत भाई के हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सर्वर की रैंक खरीदी थी, तो उनकी जो रैंक थी उसके एक क्रेट्स होती है रैंक की, तो उस क्रेट्स में हम ये भी देते हैं। और ये हमारा कुछ बेस है अभी बन रहा है, तो अभी दिखाऊंगा नहीं, जब पूरा बन जाएगा जब दिखाऊंगा। तो ऑलराइट गाइस, अब मैं उनके बेस पे जाता हूँ और बेस को जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ओके, तो उसने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, अब मैं ओनर हूँ तो मेरे पे स्लैश और ये क्या हो रखा है। हाँ ओके, तो यहाँ पे मेरा स्लैश फ्लाई का ऑप्शन हो चुका है ऑन, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ F3 ऑन अपना, और F3 ऑन करके चलते हैं उस कोऑर्डिनेट्स की तरफ। क्या कोऑर्डिनेट्स है एक बार मैं मोबाइल पे खोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीन के बाद एडिटिंग पे लगाए थे वो। तो लेट्स गो, एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। हाँ तो कोऑर्डिनेट्स जो उसने बताए थे मेरे को वो थे, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा तो वहां तक पहुंच जाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो, यहाँ पे शुरू करते हैं हवा में उड़ना शुरू करना। तो किधर जाना है, किधर जाना है, शायद मैं सही जा रहा हूँ, नहीं 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 तो वो प्लस क्या है ना, तो मेरे को इधर को जाना है, नहीं मेरे को ये कम करना पड़ेगा, ये इधर को जाना है और ये इधर को जाना है। तो चलिए मिलता हूँ मैं सीधा आपको वहीं पे जहाँ पर वो लोकेशन है उनकी। ठीक, Many minutes later. ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं उनकी उस लोकेशन पे आ चुका हूँ, और इस लोकेशन पे आने के बाद मेरे को उनका एक शुगर केन फार्म दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे को विलेजर्स की, ओके तो यहाँ पे विलेजर्स भी हैं बहुत सारे इनके, और इन्होंने यहाँ पे शायद, अगर मैं इसको तोड़ूँ थोड़ा सा, तो शायद इन्होंने यहाँ पे विलेजर फार्म बनाया हुआ है ना कुछ टाइप। ओके तो सबसे पहले चलते हैं इनके बेस और ढूंढते हैं, मतलब कहाँ पे है इनका बेस और देखते हैं। ओके, ये एक एरिया है, और पहले और वेरियस देख लेते हैं, और आसपास नीचे भी कुछ है, ये क्या चीज़ है, एक सेकंड चेक करते हैं। टॉर्च लाना भूल, नहीं टॉर्च है मेरे पास, तो चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ भी कोई चीज़ है जो इन्होंने बना रखी है। ओके ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है शायद, ये इन्होंने जगह बनाई है अभी। चेस्ट में चेक करते हैं, कुछ नहीं है, चेस्ट खाली है। तो अभी चलते हैं ऊपर, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जो मेरे को करना है, क्योंकि बंदे आ सकते हैं कभी भी। ऑल राइट गाइस, भाई इन्होंने ये क्या, भाई साहब इन्होंने, भाई साहब तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं अपनी चेस्ट खोल लेता हूँ और इसका सारा सामान निकाल के ना इसमें रख देता हूँ, ये फेंक देते हैं, ये अभी हमारे किसी काम के नहीं होने वाले हैं। बुक्स भी फेंक देते हैं, बुक्स तो वापस आ जाएंगी, लेकिन आर्मर जो है वो नहीं आएगा। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे जितना भी आर्मर था मैंने अभी रख लिया है, और यहाँ पे जो भी मेरे साथ का टीम का बंदा होगा उसे मैं कह दूंगा कि भाई टीम ही चेस्ट में काफ़ी सारा आर्मर रखा है वो निकाल ले। ओके तो यहाँ पे मैं इनकी चेस्ट वगैरह चेक कर लेता हूँ, तो मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी लूट मेरे को मिलने वाली है, सही है, चलो मैं लूट करके जाऊँगा प्रॉपर। तो लेट्स गो, यहाँ पे थोड़े एमराल्ड्स की भी कमी नहीं है वैसे अपने पास। ओके ओके ओके, इतना सारा एंड क्रिस्टल, ये वैसे इन पे आया कहाँ से, ठीक है चलो ये बात की बात देखेंगे, इन पे आया कहाँ से वो बात की बात देखेंगे, पहले इनके पास देख लेते हैं। और चेस्ट में क्या, वाइट टोटम, ओके ओके ओके, अपने पास भी टोटम की कमी नहीं है, ये सारी चेस्ट देख लेते हैं भाई, दो डबल चेस्ट पड़ के टोटम है इनके पास, तीन,
ओके, तो ये इतना सारा गोल्डन एप्पल है, एक एक स्टैक गोल्डन एप्पल ले लेते हैं क्योंकि हमें खाने की जरूरत पड़ सकती है बीच में, क्योंकि जब हम इसे फोड़ने वाले हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो सारी चेस्ट चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनके ही एंडर चेस्ट से एंड क्रिस्टल निकाल के वो भी फोड़ देते हैं। सबसे पहले तो मैं फोड़ना शुरू करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो ये कैसे फटता है, मेरे को आता नहीं यार फोड़ना। ओके ऐसे फटेगा क्या ये? ओके समझ गया समझ गया, पहले मैं कुभाई हेल्थ बढ़ा लूँ। तो ये काम करते हैं ना, ये काफी सारे लगा देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले काम करते हैं इनकी टीम से, इनकी ही चेस्ट से निकाल लेते हैं बहुत सारे एंडर ये। तो ये सही हो गया, मेरे पास बहुत कम थे, मैं सोच रहा था इतने काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे TNT भी लगाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इनका बेस भाई, इन्होंने हमारा बहुत बेस फोड़े हैं समझ लो, तो बदला पूरा बराबर लिया जाएगा। तो जितना भी पूरा मैं यहाँ पे जितना भी पूरा पूरा भाई पूरा तो जाए पूरा बेस बनाऊंगा। तो रोडन सारे बहुत बढ़िया थी, तीन मार्क का पंगा लेगा, तो शायद इसके बाद पंगे ला ली, और लेकिन भाई अभी तक टॉप टीम में से एक मार्क भी है, तो मुकाबला पक्का होने वाला है। तो लेकिन पूरा भी छोड़ दूंगा मैं, अब यहाँ बहुत सारे अभी टाइम टेस्ट है, तो मेरे को कुछ करना नहीं सब चीज़ों ठीक है। और इनकी टीम कैसे मिले मेरे को, एवरेज से बहुत है, एवरेज समय को नहीं, और हमें टोटल भी होता है, टोटल भी नहीं चाहिए मेरे को। तो लेकिन पहले आपने बहुत सारी बताता हूँ इनकी अंडर चेस्ट मेरे को मिला, तो ये मेरे को कहीं नहीं कहाँ से आए भाई क्या ये, और मैं तो पूछ रहा हूँ कि सारे कहाँ से आए आपकी, सारे भाई चेस्ट में अंडर चेस्ट हैं। तो लेकिन आपने बहुत सारे अंडर चेस्ट लगा दिया, और मैं मेरे को लग रहा है कहीं नहीं ना मतलब, इसलिए मैं यहाँ पे एक अंडर चेस्ट फोड़ के निकल जाता हूँ। पहले यहाँ पे एक अंडर चेस्ट ठीक है, पड़ेगा कहीं सारे नहीं पड़ेगा, मैं अपने काम करता हूँ सारे में TNT लगा देता हूँ, TNT का भी पड़ जाए क्या हाशर होता है इनके बेस का। सब फट जाएंगे, सब फट जाएगा भाई। तो लाइट गाइस यहाँ पे काफी पूरा बुरा हाल हुआ है इनके बेस का, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके अब ये दो तीन चेस्ट रह गई हैं, तो इनको भी उड़ा देते हैं, सब मान खत्म भाई, सब सब कुछ खत्म कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई, जब बदला लेंगे तो अच्छे से लेंगे। मेरा एंडर वो कहाँ गया, मेरा फ्लिंटन स्टील यहाँ पे लगा दिया यार, और यहाँ पे थोड़ा दूर चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को मरना नहीं है भाई। ओके तो ये चेस्ट टूट नहीं रही है, तो मैं इनको अपने पिकेक्स से तोड़ देता हूँ, बेस्ट है। तो यहाँ पे अपने पिकेक्स लेते हैं हाथ में, और इसको तोड़ देते हैं, से टूटेगी ना ये, तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में सामान डिस्पोन हो जाएगा। और एक काम करते हैं यहाँ पे आग लगा देते हैं ना यहाँ पे, ओ भाई डायमंड्स फालतू के डायमंड्स मिलते हैं, और अच्छा। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे ये सामान थोड़ी देर में डिस्पोन हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर लावा वावा डाल दूंगा मैं यहाँ पे। अभी चलते हैं इनके विलेजर्स को मारने, और प्लस इनका जो ये फार्म है भाई, इसे डिस्ट्रॉय करने, तो इसको डिस्ट्रॉय करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये ओके तो यहाँ से इनका विलेजर्स आता था, एक मिनट स्लैश फ्लाई कर लेता हूँ मैं। ओके यहाँ से इनका विलेजर्स आता है, तो यहाँ पे इनका और भी कोई फार्म है तो बंद करो पहले तो। ओके तो यहाँ पे ऊपर जो है इनका ये पे एक विलेजर्स वो है फार्म पूरा, सबसे पहले वहीं TNT लगाते हैं। ओके तो यहाँ पे पूरा इनका वो है ना, ठीक है बस। यहाँ पे ये अपना मस्त फार्मर इन्होंने बना रखे हैं, मतलब फार्मर क्या, इन्होंने मस्त यहाँ पे एक फार्म बना रखा है। तो लेट्स गो यहाँ पे देखते हैं, पूरा बेस तोड़ दूंगा भाई, पूरा A to Z हर जगह TNT लगा देंगे भाई, TNT। और मेरा फ्लिंट कहाँ गया, मेरा फ्लिंट एंड स्टील भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे रेडस्टोन टॉर्च है, तो ये भी लगा दूंगा मैं पूरा, सब कुछ यहाँ लगा के भर के लगा देते हैं बस, मस्त है। यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं बहुत सारे TNT, और इनका पूरा बेस टूट जाना चाहिए भाई, पूरा बेस A to Z पूरा बेस छोड़ दूंगा भाई मैं इनका, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई मैं, चाहे मेरे को क्यों ना मरना पड़े, मेरे हार्ट्स वापस आ जाएंगे। ओके गलती से यहाँ पे टॉर्च भी लगी, कोई दिक्कत नहीं है। और काम है मेरे ये एक को भाई, इतने सारे, एक तो इन्होंने ये लगा रखे थे ना, तो सब हमला हो गया भयंकर सारा। अभी तो यहाँ पे मेरे को वो भी लगी। ओके काफी, अरे नहीं नहीं नहीं
काफी तगड़ा हमला हो गया, लेट्स गो, नहीं बचाया, लेट्स गो। तो यही अपना वो गोल था, सब कुछ तोड़ना नहीं, ऐसी बंदी, इन्होंने हमारा बेस हमारे एक बंदे को बिट्रे करके मिला था, तो हमने भी इनका बेस एक बंदे से बिट्रे से निकाला है ऑन टॉप। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी टीम का नाम माफिया लिख दिया है पूरा ब्लॉक्स में बड़ा बड़ा। तो जब ये यहाँ पे आएंगे वर्ल्ड में तो शॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना मैंने बीच बीच में हर जगह ये भी लिख दिया है माफिया वॉज हियर, माफिया वॉज हियर। तो लेट्स गो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा सर्वर ज्वाइन करना है तो आईपी इज इन डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको मेरी टीम ज्वाइन करनी है तो आप मेरी टीम भी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे को डिस्कॉर्ड में मैसेज कर देना। वैसे हमारी टीम अभी फुल है, मैं कुछ कहता नहीं हूँ कि हमारी टीम के लिए जगह या फुल नहीं है, लेकिन अगर आप हमें लगते हो कि आप हमारी टीम के लायक हो तो हम आपको अपनी टीम में भी ले सकते हैं। तो माफिया की पावर तो आप सभी लोगों ने देख ली होगी, यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट पूरा बेस जितना मैं तोड़ सकता था उतना मैंने बेस तोड़ दिया है। तो इतना बदला ले रहा, ठीक है, तो अभी भी मेरा सर्वर ज्वाइन करना है वो कर सकता है। तो संस्कार नेटवर्क की आईपी स्क्रीन पर आ रही होगी और स्क्रीन के बाहर डिस्क्रिप्शन में भी है। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर वार्डन्स में से कोई देख रहा है तो हाँ भाई वार्डन्स वालों कैसी लगी, मजा आ गया। तो लेट्स गो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।